ऊटपटांग बहुत ही ऊटपटांग फिल्म है और वैकी थ्रिलर है, कॉमेडी है और हर कोई कुछ ना कुछ बेसिकली इस फिल्म में कर रहा है। जो मैं कैरेक्टर फिल्म में निभा रही हूँ उसका नाम है संजना, जो एक कॉन वुमन है, काफ़ी चालू किस्म की लड़की है, चौल में रहती है। एक डिफरेंट तरह का ग्लैमर है इस कैरेक्टर में, थोड़ा लाउड है, इन द सेंस कि कैरेक्टर का जो कॉस्ट्यूम लाउड है, मेकअप लाउड है, लैंग्वेज काफ़ी लाउड है। सी मैं फिल्म में कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, मेरा कैरेक्टर वैसा है। आई एम श्योर पीपल आर गोना एंजॉय वॉचिंग द कैरेक्टर। बहुत ही मस्ती हो रहा है। विनय हो गए, सौरभ जी हो गए, संजय मिश्रा हो गए, मोना हो गई, तो काफ़ी ही मैं एक सीरियस सिनेमा से आई थी तो, और इनके गैंग में शामिल हो गई और ये काफ़ी हंसाते और चुटकले करते हैं, तो काफ़ी मस्ती खोर लोग हैं। फिल्म में ऐसा कोई यादगार लम्हा जब बहुत एंजॉय किया हो, जहाँ पर आप लोगों ने सभी ने एक साथ में? हाँ, रोज रात को शूटिंग चलती थी, हम वही करते थे, हर वक्त मस्ती करते थे। किस तरह की मस्ती, मतलब जैसे कि गेम खेलना या नो? इट वाज मोर ऑफ क्रैकिंग, इट वाज मोर ऑफ क्रैकिंग जोक्स एंड ऑल। यस, फिल्म की म्यूजिक कैसी है? बहुत बहुत अच्छी म्यूजिक है। दो सॉन्ग्स हैं, एक काफ़ी रोमांटिक है, बहुत ही प्यारे, जो मोना और विनय पर पिक्चराइज हुआ है, और एक काफ़ी वैकी सा सॉन्ग है। फिल्म की कितनी एक्सपेक्टेशन रखती है, कितना लोग अट्रैक्ट करेंगे फिल्म? आई जस्ट होप पीपल लाइक इट, बिकॉज जो मुझे रिव्यूज़ अब तक मिले हैं, जो लोगों ने देखे हैं प्रोमोज एंड ऑल, पीपल हैव लाइक्ड इट और वी हैव वर्क वेरी हार्ड, सो आई जस्ट होप पीपल, यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि आजकल इस तरह के सिनेमा को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिल गई है और लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, और स्क्रिप्ट हीरो बन चुकी है, तो आई थिंक अगर लोगों को फिल्म पसंद आएगी तो ज़रूर अच्छी चलेगी। इसके अलावा उटपटांग, जैसे कि आपका उटपटांग है फिल्म का नाम, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जो उटपटांग रही हो, सबसे ज़्यादा यादगार रही हो? बहुत सी चीज़ें हुई हैं बचपन में, बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे हम सारे बच्चे, मेरे ब्रदर्स एंड ऑल मिलकर हम लोग लोगों के घरों की बेल्स बजा कर भाग जाते थे रात को, ठंड में 12 बजे, तो इमेजिन अंकल आंटी बुढ़े बेचारे निकल रहे हैं बाहर, खो खो करते हैं, दिस नो बड़ी देयर, तो ऐसी चीज़ें बहुत करते थे, बहुत डांट पिटती थी, और हम लोग खाना खाकर सोफों पर जंप्स मारते थे, और माय मदर वाज लाइक इतनी जल्दी सोफे कैसे ख़राब हो जाते हैं, तो काफ़ी गड़बड़े करते थे, और बड़े हुए तो कॉलेज में तो और तरह की उटपटांग चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे चुप चुप के मूवीज देखने जाना, बिना टेलिंग योर पेरेंट्स एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें करते थे, पार्टीज में चले जाना बिना घर से प्रॉपर जीन्स पहन कर आना, और फिर वहाँ से किसी जैसे सलून से रेडी होकर कहीं निकल जाना, या फिर मैंने वेडिंग्स काफ़ी क्रैश की हैं, 2-3 हमें और मेरी फ्रेंड्स से मिलकर, कहीं अच्छी वेडिंग लग रही है, अच्छी चल रही है, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम लोग तैयार होकर चले जाते थे वेडिंग पर, तो वो हम लोग काफ़ी उटपटांग चीज़ें करते थे। उटपटांग के बाद जो होपफुली मेरी रिलीज़ है, आई थिंक वो पान सिंह तोमर है, जो मैंने इरफान खान के साथ की है, उसके अलावा दिस माइकल, जो मैंने नसीरुद्दीन शाह सर के साथ की है, और उसके बाद है साहिबी वी और गैंगस्टर, जो फिर तिग्मांशु धूलिया के साथ की है। कॉमेडी नहीं, कोई भी कॉमेडी नहीं है। जो पान सिंह फिल्म है वो एक पीरियड फिल्म है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, और जो माइकल है वो फिर एक थ्रिलर है नसीर सर के साथ, जो मैं कर रही हूँ, जिसमें एक नर्स का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और साहिबी वी और गैंगस्टर इज़ लाइक जैसे साहिबी वी और गुलाम बनी थी, तो उसी बेसिस पर जैसे देवदास से देवडी बनी, तो साहिबी वी और गुलाम से साहिबी वी और गैंगस्टर बनी। और 26 जनवरी आ रही है, उस बारे में क्वेश्चंस चाहिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो मैं हर बार बोलती हूँ ये बात, बिकॉज आई कीप माई सेल्फ वेरी बिजी, और जब मैं बिजी रहती हूँ मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, और जब भी मैं अखबार खोलती हूँ या टीवी देखती हूँ तो हमेशा किसी के मरने की खबर, किसी को मार दिया, लूट ली, ये सब हो रहा है। आई थिंक ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज लोगों के ब्रेन्स काफ़ी खाली हैं, वो जो कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत ही सही कहावत है वो, तो आई थिंक अगर लोग सब बिजी हो जाएं और पॉजिटिव सोचें और अच्छे काम करें, अपनी फैमिली में बिजी हों या अपने प्रोफेशन में बिजी हों, तो ये चीज़ें माइंड में नहीं आएंगे, जस्ट फील कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए, इट्स टू मच, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आज आप थिएटर मूवी देखने गए हो तो आप वापस घर पहुँचोगे कि नहीं।